Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Students, today the day is Friday and the date is 18 December 2020. Our subject is Maths and I am your class teacher, Ms. Anza Abbas, with the lecture number 3 of Maths. Students, our book name is Ready Steady Go Mathematics Textbook and Practice Book of Second Term. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है नंबर्स. नंबर्स में हमने 0 से 20 तक जो है वो फर्स्ट टर्म में लिखा भी था, रीड भी किया था, काउंट भी किया था. अब हमने सेकेंड टर्म में 21 से आगे नंबर्स पढ़ने हैं. सो आज जो हम नंबर पढ़ेंगे वो है 21. आप सब अपनी मैथ्स के बुक का पेज नंबर 3 निकालें. पेज नंबर 3 पर आपके पास क्या दिया गया है? क्या आप में से कोई इसको रीड कर सकता है? ये कौन सा नंबर लिखा गया है? दो नंबर्स को मिलाकर एक नंबर बनाया गया है. दिस इज 21. अब आप देखें कौन कौन से दो नंबर्स मिलाए गए हैं, 2 एंड 1. तो 2, 1, 21. 2, 1 जब ये अगट्ठे लिख लेते हैं तो ये 21 बन जाता है. 2, 1, 21. क्या बन गया? 21. 2, 1, 21. 21 तब हम बोलेंगे जब 2 एंड 1 जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ हो. ठीक है, जब हमारे पास ये अलग अलग हो तो हम इसको 21 नहीं पढ़ेंगे. हम इसको जब इकट्ठा लिखा गया हो 2, 1 तो 21 हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, अब 21 होते कितने हैं? ठीक है, आपने काउंट करना है. आप देखें आपके पास 21 के नीचे स्ट्रेथोस्कोप बनी हुई है. ठीक है, हमने ये पीपल एट वर्क सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था कि स्ट्रेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर यूज़ करता है. ठीक है, वही स्ट्रेथोस्कोप यहाँ पर आपके पास बनी हुई है. आपने इसको काउंट करना है. ठीक है, आपने इसको मेरे साथ साथ काउंट करना है. ओके स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, and 21. कितने हो गए ये? 21. जब आपने इनको काउंट किया तो ये आपके पास कितने बन गए? 21. ठीक है, आपने इनको काउंट किया तो आपके पास ये 21 आ गया है ना. ठीक है, इसी तरह आपने दोबारा से इनको खुद काउंट करना है. ठीक है, काउंट करने के बाद आपने दोबारा 21 पर आना है. ठीक है, इसके ऊपर जो 21 लिखा हुआ है, ठीक है, इस पेज पे जो आपके पास ऊपर 21 दिया गया है, आपने क्या करना है? आपने अब इसको ट्रेस करना है. आपको 2 भी लिखना आता है और आपको 1 भी लिखना आता है ना. बस आपने पेज नंबर 3 पर इसको जस्ट ट्रेस करना है. Like this. Okay, आपने मैथ के बुक के पेज नंबर 3 पर नंबर 21 को ट्रेस करना है और काउंट करना है. अब आप अपने बुक्स के सबसे लास्ट पर लेफ्ट साइड देखें, आपके पास लिखा होगा गो टू प्रैक्टिस बुक पेजेस 3 एंड 4. यानी कि आपकी मैथ्स की बुक में जो प्रैक्टिस बुक का पोर्शन दिया गया है वहाँ पर आपने पेज नंबर 3 और 4 निकालना है. ठीक है, दिस इज़ द पेज नंबर 3 ऑन प्रैक्टिस बुक. ये प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 3 है. यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, ट्रेस एंड राइट द नंबर 21. आपने क्या करना है, 21 को ट्रेस करना है एंड राइट करना है. ट्रेस आप कैसे करते हैं? आपके पास ट्रेसिंग में डॉट्स डले होते हैं, आपने डॉट्स को ट्रेस करना होता है. डॉट्स के ऊपर आपने डॉट्स को मिलाते जाना है, आपके पास वो नंबर बन जाएगा. जैसे यहाँ पर देखें 21 के डॉट्स दिए गए हैं फर्स्ट टू लाइंस में. फर्स्ट टू लाइंस आपने ट्रेस करनी है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 5 लाइंस जो है वो आपने खुद लिखना है. ठीक है,
इसी तरह पेज नंबर 4 पर भी आपके पास ट्रेस एंड राइट है। फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो ट्रेसिंग की है, नेक्स्ट 5 लाइंस आपके पास राइटिंग की है। ठीक है, आपने अब ट्रेस कैसे करना है, आपने डॉट्स को डॉट्स के साथ मिलाते जाना है। 2 and 1 क्या बन गया, 21। दोबारा से 2 and 1 21, 2 1 21। ओके, ये हो गया आपकी ट्रेसिंग। अब जब आपने सेल्फ राइट करना है, यानी कि जस्ट आपके पास 1 डॉट दिया होगा, आपने वहां से खुद 2 लिखना है और 1 लिखना है। ओके, आपने सबसे पहले 2 लिखा और फिर 1 लिखा। आपको 2 भी लिखना आता है, 1 भी, तो आपने सबसे पहले 2 लिखा एक ब्लॉक में, फिर 1 लिखा। ठीक है, एक ब्लॉक में 2 लिखा फिर 1 लिखा, 2 and 1 क्या बन गया, 21। ठीक है, आपने प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 3 इस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 लाइन ट्रेस की और बाकी सारी आपने खुद राइट करनी है। एंड पेज नंबर 4 पर भी आपने इसी तरह करना है। फर्स्ट 2 लाइन जो है वो ट्रेसिंग की है और बाकी लाइंस आपके पास सेल्फ राइटिंग की है, तो आपने खुद इसको ट्रेस करना है। तो हमने आज बुक का पेज नंबर 3 एंड प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 3 and 4 किए हैं। आपने घर में ये तीनों पेजेस, बुक का पेज नंबर 3 और प्रैक्टिस बुक के पोर्शन का पेज नंबर 3 and 4 खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें जस्ट आपके पास नंबर 21 को ट्रेस किया गया है और राइट किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको लिखना बताया गया है, ठीक है, आपने लाइन से ऊपर जैसे 2 और 1 लिखना है, ठीक है, आपने लाइंस टेढ़ी नहीं लगानी। अगर आप 2 लिख रहे हैं तो आपने, आपको जैसे मैंने बताया ना 2 लिखना है, जैसे आप यहाँ पे देखें 2 जैसे लिखा हुआ है आपने उसी तरह लिखना है, और 1 जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो आपने उसको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है। ठीक है, आपने टेढ़ी नहीं करनी। आप लोगों का काम साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी कॉपीज पे कोई भी गंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।